आशूरा की फजीलत अपनी जगह बड़ी ज़बरदस्त है और एक साल के गुनाहों के कफ़ारे की खुशखबरी सुनाई है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसमें एक रिवायत में ये भी आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर कोई शख्स अपने अहले आयाल के लिए खाने में कुछ वसात करे आम दिनों के मुकाबले में, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत अता फरमाएंगे। ये कोई हुक्म वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत कहना भी मुश्किल है, लेकिन एक रिवायत में आया है। उस रिवायत के बारे में भी बाज़ हज़रात कहते हैं वो ज़ईफ़ है और बाज़ हज़रात उसको कवी कहते हैं। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इसको कोई ज़रूरी तो नहीं समझते थे, लेकिन इबाहत के तौर पर मुनासिब समझते थे कि अगर मुहर्रम के दस दिन दसवें दिन अपने अहल आयाल के लिए रिज्क में आम दिनों से कुछ ज़्यादा वसअत पैदा की जाए, यानी खाना कुछ अच्छा बनाया जाए आम दिनों के मुकाबले में, तो ये भी न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि कुछ बरकत का भी सबब है। इंशाल्लाह उससे बरकत की भी उम्मीद है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब लोगों ने उसके लिए खिचड़ा बना लिया कि अब मुहर्रम के दसवें दिन खिचड़ा पकना बड़ा ज़रूरी है, अगर खिचड़ा ना पक्का तो मुहर्रम आया ही नहीं। तो ये इसका इसकी कोई असर नहीं है शरीयत में, इसका कोई किसी कोई बुनियाद नहीं है। सिर्फ इतना है कि भाई खाना आम दिनों के मुकाबले में कुछ बेहतर बना लिया जाए, इससे आगे कुछ नहीं। और उससे भी बढ़कर बाज़ लोगों के दिलों में यह ख्याल होता है कि आशूरा की जो फजीलत है वो इस वजह से है कि इस दिन में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे। बेशक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक बहुत बड़ा अलमिया है और वो भी आशूरा के दिन पेश आया था, लेकिन आशूरा की हुरमत फजीलत इस वजह से नहीं बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आला मकाम का एक इशारा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का मकाम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाने के लिए और शहादत का मर्तबा अता फरमाने के लिए इस दिन का इंतखाब फरमाया। ये उनकी फजीलत में मजीद एक बड़ी फजीलत है, और फजाइल तो बेशुमार हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और जुल्मन शहीद किए गए मजलूम शहीद मजलूम हैं, अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हुए, लेकिन ये शहादत के लिए भी अल्लाह ताला ने उनके लिए वो दिन मुकर्रर फरमाया जो आशूरा का दिन था, हुरमत वाला दिन था। ये उसकी फजीलत में मजीद इजाफे का जरिया है। इस हद तक बेशक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत इससे जाहिर होती है, और बाकी जो उनकी शहादत के ऊपर मातम करना और जुलूस निकालना और ये जो सब चीज़ें जो ईजाद हुई हैं इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला ने तो अपने अजीज व करीब के मरने पर भी नौहा करने से मातम करने से मना फरमाया, और ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि वो शहादत से तीन दिन पहले जो उन्होंने खुतबा दिया था उस खुतबे के अंदर ये फरमाया था कि अगर हम शहीद हो जाएँ तो हमारे ऊपर कोई मातम ना किया जाए, हमारे ऊपर कोई नौहा ना किया जाए। ये सब बातें बाद की घड़ी हुई हैं, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो जुलूस निकलते हैं हकीकत में तो शिया मज़हब में भी ये कोई ज़रूरी नहीं, वाजिब नहीं, ये बाद में किसी ने शुरू किए हैं। तो मुसलमानों को इन जुलूसों में इन मजलिसों में जिनमें के बाज़ात हदूद से तजावुज़ किया जाता है और इस मौके पर अल्लाह बचाए सहाबे किराम की शान में गुस्ताखियाँ भी की गई हैं पिछले दिनों, इसमें मुसलमान को
शरीक होने का कोई जवाब नहीं है अहले सुन्नत मुसलमानों को। और अलबत्ता जो जितना ज़रूरी है काम वो है कि रोज़ा रखा जाए, ज़रूरी तो नहीं लेकिन मुस्तहब है कि रोज़ा रखे, और आशूरा के दिन अगर हो सके तो अपने अहल आयाल के लिए कुछ वसत का इंतज़ाम करें। बस इस हद तक साबित है, इससे ज़्यादा कोई हकीकत नहीं है इस दिन के अंदर किसी और अमल की। अल्लाह ताला हमें अपने रजा के मुताबिक ये आशूरा गुजारने की तौफीक अता फरमाए।